नमस्कार मित्रों, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हर घर में कोई ना कोई इससे पीड़ित है, गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस यानी आप लोग जो गैस से परेशान रहते हैं, पेट में सूजन हो जाती है, इस तरह की समस्या से आजकल हर घर में कोई ना कोई ज़रूर पीड़ित है। तो इसके लिए मैं आज कुछ समाधान बताऊँगा, कुछ मेडिसिन बताऊंगा, जिससे आप अपने गैस्ट्राइटिस को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ही उत्साह मिलता है आप लोग के एक लाइक से। और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोग को आगे भी देता रहूँ। यह वीडियो पूरी तरह से एडुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप किसी भी होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले नज़दीक में उपस्थित होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए, उनसे सही प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, उसके बाद ही किसी भी दवाइयों का उपयोग कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका कोई भी इंक्वायरी हो, किसी तरह का प्रश्न हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सबका उत्तर दे सकूँ। तो आज मैं आप लोग को गैस्ट्राइटिस होती क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गैस्ट्राइटिस में हाथ पेट में सूजन हो जाती है, जिसके चलते हमारा पेट में ऊपर अपर एब्डोमेन में काफ़ी दर्द रहता है, ये बीच वाले पोर्शन में भी दर्द रहता है, जलन रहती है पेट में। इस तरह की समस्या बहुत सारे पेशेंट को देखने को मिलती है। तो आप लोग को इसमें सबसे पहला कार्य तो है कि आप लोग को खान पान में ध्यान रखना होगा। यह अधिकतर एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जो कि एच पायलोरी बैक्टीरिया होती है, इसी के कारण अधिकतर गैस्ट्राइटिस होती है। लेकिन इसका और भी कारण है जिसके कारण से होती है। दूसरा जो कारण है वो है खान पान। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अगर आप खाइएगा तो उसके चलते भी आजकल गैस्ट्राइटिस की समस्या बढ़ गई है। आजकल बहुत ज़्यादा नॉनवेज और मैदे की जो चीज़ होती है वो सब ज़्यादा तेल के चीज़ जो आदमी बाहर ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसके कारण भी आजकल गैस्ट्राइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तीसरा जो कारण है स्मोकिंग। आजकल जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा जो कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और चौथा जो कारण है अल्कोहल। अल्कोहल आजकल बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, जिसके चलते हम लोग देख रहे हैं कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हर घर में बढ़ गई है। अल्कोहल आजकल बहुत ज़्यादा इतना कंजप्शन हो रहा है, जिसके चलते आजकल गैस्ट्राइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस तरह के पेशेंट मेरे क्लिनिक में प्रतिदिन कोई ना कोई आते ही हैं। तो सबसे पहले इनको आपको कंट्रोल करना होगा। आप अल्कोहल का कंजप्शन छोड़ दें, स्मोकिंग को छोड़ दें, और खाने पीने का ख्याल एकदम करें कि बाहर का खाना पीना एकदम बंद करें, घर का फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा उपयोग करें, जल का ज़्यादा उपयोग करें। ये सब सावधानियां आपको बरतनी होगी, ताकि आप इसको कुछ हद तक कम कर सकें और होम्योपैथिक की मेडिसिन लें। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, आप उसका उपयोग करके गैस्ट्राइटिस की समस्या को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। आप सबसे पहली जो दवाई आती है सल्फर 30, आप इसे सुबह में 4 बूंद और शाम को 4 बूंद 2 समय उपयोग कीजिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा यह रिज़ल्ट देगी। मैं अपने क्लिनिक में चलाता हूँ, सल्फर 30 का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। आप इसे किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले लें और उसे सवेरे 4 बूंद और शाम को 4 बूंद जरूर उपयोग करें। दूसरी जो दवाई है नक्स भूमिका 30 को भी आप किसी होम्योपैथिक शॉप से ले लें और उसे दोपहर में 4 बूंद और रात में 4 बूंद 2 समय इसका जरूर उपयोग कीजिए। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है ये नक्स। उनके लिए रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देती है जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, थोड़ा स्पाइसी फूड खाते हैं, उनके लिए नक्स बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। और तीसरी जो दवाई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आप ले लीजिए, उसे
आप सवेरे और दोपहर में दो टाइम चार बूंद करके उपयोग कीजिए। मुझे उम्मीद है कि यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आर्सेनिक के जो पेशेंट होते हैं उनके पेट में काफ़ी जलन होती है और वह 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लेते हैं ताकि उनका पेट का जलन बहुत आराम हो सके। इस तरह की जिनको समस्या है कि पेट में जलन रहता है और पानी पीने से उनको बहुत अच्छा महसूस होता है, उनके लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप आर्सेनिक एल्बम किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले लें और उसे सवेरे और दोपहर में चार बूंद करके ज़रूर उपयोग कीजिए। इन तीनों दवाइयों का उपयोग कीजिए और साथ में एक LDD की गैसो ड्रॉप आती है। गैसो ड्रॉप आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले लें और उसे 15 बूंद करके सुबह में, दोपहर में और रात में तीन समय आधे कप पानी में मिला के उसका उपयोग कीजिए। मुझे उम्मीद है कि यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मैं भी अपने क्लिनिक में इसको चलाता हूँ और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप जाइए किसी भी होम्योपैथिक शॉप में और ये चारों दवाइयाँ लीजिए और उसका उपयोग करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में इन सब दवाइयों का उपयोग करता हूँ और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।